दोस्तों, आपके पास दुनिया का कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो, रियलमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, शॉमी हो, सैमसंग हो, किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, आप अगर उसमें पिन लॉक, पैटर्न, पासवर्ड या किसी भी तरीके का लॉक लगा के और आप भूल जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में लगे हुए पिन, पासवर्ड, पैटर्न को बड़े ही आसानी से अनलॉक कर पाएंगे। आपके पास रियलमी का फ़ोन हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, शॉमी हो, सैमसंग हो, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, पिन, पासवर्ड, पैटर्न कोई सा भी लॉक लगा के अगर आप भूल जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इसको बड़े ही आसानी से अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं कि कैसे आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास अभी ये जो फ़ोन आप देख रहे हैं, सभी फ़ोन में लॉक लगा हुआ है, चाहे वो पिन लॉक हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि आपका सिर्फ पिन, पासवर्ड या पैटर्न ही अनलॉक हो, नहीं, किसी भी तरीके का लॉक हो, सभी जो है यहाँ पे अनलॉक किया जाएगा। तो आपके पास जो भी फ़ोन हो, हर फ़ोन यहाँ पे एग्जांपल करो, फिर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, इस फ़ोन में भी इमरजेंसी कॉल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे ये भी फोन सारा अलग अलग कंपनी का फ़ोन है। यहाँ पे देखिए, ये ओप्पो वाले फ़ोन में इमरजेंसी SOS है, नए फ़ोन में SOS का ऑप्शन आ जाता है। तो इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी SOS आपको देखने को हर फ़ोन में मिलेगा। और आपको किसी भी फ़ोन में ले लीजिए, इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी SOS आपको ढूंढना है, और इस तरीके से डायलर पैड वाले ऑप्शन पे आपको चल जाना है, और इसी ऑप्शन में आपको सिर्फ डायल करना है *8119 और है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, आप किसी भी फ़ोन में ये ओपन करेंगे ना, *8119 है, ये आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको सामने लाइव सभी फ़ोन में दिखा रहा हूँ, *8119 और है जी, सब फ़ोन में ये *8119 हाइट से ओपन हो जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैनुअल टेस्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैनुअल टेस्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो मैनुअल टेस्ट पे आप क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करने के बाद जब आप स्वैपअप करेंगे तो आपको सेकंड पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहीं पर आपको सेंसर का एक पेज दिखाई देगा, सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, आपको इस पर टैप करना है। ये देखिए, अब हमारे फ़ोन में आपको दो सेंसर दिखाई दे रहा है, आपके फ़ोन में 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो जितने सेंसर है सभी को स्टार्ट कर दीजिए, कोई एक पास हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारा दोनों सेंसर आपको फेल दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये देखिए दोनों सेंसर यहाँ पे फेल है, बट कोई बात नहीं, आपको इस तरीके से दोबारा ट्राई करते रहना है कि ये एक बार कम से कम पास हो जाए। अभी भी देखिए फेल है, तो हम इसको दोबारा फिर से टेस्ट करेंगे, और ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये पास नहीं होगा आपका काम नहीं बनेगा। अगर ये नहीं हो रहा तो एक बार लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से पावर ऑफ वाले को दबाइएगा, और फिर से एक बार इसको ऑन करने की कोशिश कीजिएगा, और आप ट्राई करके देखिएगा, मे भी हो सकता है कि आपका काम बन जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है काम बन गया, और हमारे में ये काम कर गया। तो इसी तरीके से आपको ट्राई करना है। अब देखिए, यहाँ पे जब आपने इसको ट्राई किया तो बैक कर लीजिएगा, बैक करते ही आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में जाना है, जो कि अदर्स का होगा। ध्यान से देखिए, प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए, लास्ट में आपको अदर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक नीचे रीसेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक नीचे रीसेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, आपको इस रीसेट वाले बटन पर टैप करना, और देखिए ये यहाँ पर पास हो गया। पास हो गया इट मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक हो चुका है, और आपसे कोई भी पिन, पासवर्ड, पैटर्न यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। बस आपको इस बीच वाले इस तरीके से स्वैपअप करना है, एंड देन देखिए लाइव यहाँ पे आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका है, ना ही पिन मांगा, ना पासवर्ड, ना पैटर्न, ना फिंगरप्रिंट।